बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज कुछ दिनों के बाद हाज़िरी हुई है। वजह सिर्फ ये थी कि मैं चाह रहा था माइक्रोफोन कदरे अच्छा हो ताकि आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकानें बंद थी और कोई अच्छा माइक मुझे मिल नहीं सका, इसीलिए इसी पे गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एनी हाउ, आते हैं अपने काम की तरफ। आपस की बात में आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस। आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जो है ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वीडियो गेम होती है। वीडियो गेम्स से तो आप सब वाकिफ होंगे, आप सब ने कोई ना कोई वीडियो गेम ज़रूर खेली होगी, और कुछ नहीं तो सबसे छोटे मोबाइल पे ही कोई स्नेक्स वाली या ऐसी ही कोई गेम आपने ज़रूर खेली होगी। आपने देखा होगा कि गेम जो है उसमें उसे मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। जब आप पहली स्टेज कवर करते हैं तो अगली स्टेज जो होती है वो पहली से ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जाहिर सी बात है खुशी और थ्रिल की खातर हम अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर हम उसे कंकर करते हैं। वो काम जब हो जाता है तो हम और उससे ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि वो नेक्स्ट स्टेज पिछली वाली से ज़्यादा हार्डर होती है। बिल्कुल जो ज़िंदगी है सेम है। बचपन में आपने देखा कि आपके लिए ज़िंदगी आसान थी, पेरेंट्स आपके साथ हेल्प कर रहे थे चलना फिरने में, लाने ले जाने में, बाज़ार जाने में, कहीं तफरी के लिए ले जाने के लिए वालदैन आपके साथ हमेशा साय की तरह थे। फिर जैसे आप बड़े हुए, स्कूल आना शुरू हुए, पहले तो आपको पेरेंट्स छोड़ के जाते रहे, फिर आपके लिए रिक्शे का बंदोबस्त कर दिया गया रिक्शों में और या वैंस के ज़रिए आप स्कूल आना शुरू हुए, और अब आप में से अक्सरियत जो है वो खुद अपने तौर पर आती है। जाहिर सी बात है नया स्टेप जो है वो पहले वाले से ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसमें चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, और चैलेंजेस हैं। जब आप एक चैलेंज से मीट कर जाते हैं तो मीट करने के बाद जब नया चैलेंज आता है तो नया चैलेंज जो है वो आपके लिए और ज़्यादा थ्रिलिंग होता है, और ज़्यादा लर्निंग लेके आता है, और ज़्यादा खुशियाँ लेके आता है। हर दिन जो है आने वाला ज़िंदगी का वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गेम की एक नई स्टेज शुरू हो रही है। अगर आप ज़िंदगी के हर दिन को बिल्कुल ऐसे ही लेंगे तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील होंगे, ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, ज़िंदगी में चैलेंजेस को कबूल करेंगे और ज़िंदगी से मज़ीद लुत्फ़ उठाते जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको ज़िंदगी के मैदान में कामयाब रखे, और इस जो वबाई सूरत हाल है इससे अल्लाह ताला आपको और हम सब मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को इससे महफूज रखे। तो चलते हैं अपने लेसन में। सबसे पहले जो है वो है रिकैपिचुलेशन या रिकैप। जो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें पता है कि कंप्यूटर जब किसी मीडिया के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाए जिसके ज़रिए वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो हैं उन्हें आपस में शेयर कर सके, तो उसे हम कह देते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। हाँ, और उससे बाद जो अगली हमारी हेल्पफुल टॉपिक है, हमें जो हेल्प देगी बात, वो ये कि हमने नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो एरिया के लिहाज से पढ़े थे। उनमें सबसे पहला जो नेटवर्क हमने पढ़ा था वो था लैन या लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हमने पढ़ा था कि एक बिल्डिंग में हो सकता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है, और उसका एरिया जो है महदूद है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर अंदर है, और ये छोटा नेटवर्क है। इसे हमने ये भी पढ़ा था कि इसे मेनटेन करना आसान होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन एंड वैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। आज हम देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, और ये देखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसकी डेफिनेशन ज़रा
देखते हैं कि क्या है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल लेन्स, यानी छोटे छोटे जो लोकल एरिया नेटवर्क है इनकी आपस में इंटरकनेक्शन है विद इन अ सिटी एंड समटाइम्स इन मोर देन वन सिटी एज वेल। आमतौर पर ये एक ही शहर में होती है लेकिन बाज़ औक़ात एक से ज़ायद शहरों के लेन्स जो है उन्हें भी कनेक्ट करके मेट्रोपोलिटन नेटवर्क बना लिया जाता है। उसकी सीधी सी एग्जांपल जो है वो आपके टीवी केबल की है। टीवी केबल जो है वो बिल्कुल एक पूरे शहर में जो है वो काम कर रही होती है, मुख्तलिफ छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, वो है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये मुल्कों के दरमियान भी हो सकता है, बर्रे आज़म के दरमियान भी हो सकता है, यानी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो उस लिहाज से इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क विच स्प्रेड्स ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया दैट इज अक्रॉस द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, सच अ नेटवर्क इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ग्लोबली बहुत सारे पीसीज जो हैं आपस में छोटे लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो हैं जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। थोड़ा सा मज़ीद इस वैन को डिस्कस करते हैं, क्या है कि ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज़ होता है वैन में वो नॉर्मली टेलीफोन लाइन्स होती हैं, सेटेलाइट लिंक्स हो सकते हैं और अदर एग्जिस्टिंग डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इसकी बात है वो ये है कि बहुत दूर दराज के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है कि एक कंप्यूटर जो है वो एशिया में पड़ा है, बर आज़म एशिया में, दूसरा हो सकता है बर आज़म यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी और बर आज़म में पड़ा है, आपस में ये कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे कि ये जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क में अगर कंप्यूटर्स से रिलेटेड या थोड़ा सा हटके भी बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सिस्टम जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि PIA के मुख्तलिफ दफातर को आपस में इंटरकोनेक्ट करता है। कोई दफ्तर हो सकता है कि सिडनी में हो, कोई हो सकता है न्यूयॉर्क में हो, कोई कराची में है, लाहौर में है, तो ये सारे जब आपस में कनेक्ट हुए हैं तो ये बनेगा वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। एक और एग्जांपल जो है वो ARPANET है। ARPANET भी वैन की एग्जांपल है। एक्चुअली ARPANET है क्या, ये 40 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को आपस में मिलाता है। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को शेयर किया हुआ है। USA और यूरोप के ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अपने लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं उन्हें आपस में उन्होंने इंटरकोनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क जो है उसे तश्कील दी है जिसे कह दिया जाता है ARPANET। अब हम देखते हैं कि वैन के एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वैन। पहला तो यह है कि 24 घंटे जो है वो डेटा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देर में बी द डेटा ऑफ अ कंपनी और मोर देन वन कंपनीज। इसके अलावा फास्ट एफिशिएंट और चीप कम्युनिकेशन के ज़राए हमें हासिल हो जाते हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं कहीं और बैठा हूँ और मैंने लेक्चर कहीं से और रिकॉर्ड करके आपके लिए जो है अपलोड किया हुआ है, आप कहीं और बैठ कर इसे देख रहे हैं, ये तो एक सूरत है। लेकिन अगर हम किसी और ऐप के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब आप एक ही टाइम पर इकट्ठे हो जाएँ तो जूम के ज़रिए भी लेक्चर जो है वो आप तक डिलीवर किया जा सकता है। अब आप मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशंस में बैठ के बड़ी आसानी के साथ थोड़े से पैसों में इंटरनेट से कनेक्ट होके
क्या कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, नेट मीटिंग्स कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। तो ये फास्ट, एफिशिएंट और चीप मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, स्टेशनरी की कॉस्ट है, इसके अलावा ऑफिस कीपिंग की जो है वो कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। अगर ये फैसिलिटी ना हो, फॉर एग्जांपल टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी ना हो, तो एक शख्स जो बैठा है लाहौर में उसे जाना पड़ सकता है न्यूयॉर्क में। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है उसके एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में बैठे हैं, तो अगर मीटिंग्स उन्हें करनी पड़े, कहीं एक जगह आना पड़े, तो सबके लिए ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जबकि इंटरनेट जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी है जो वो अवेल भी कर रहे होते हैं दफातर में, और उस पर अगर वो सीधा ही आपस में कॉन्फ्रेंस कर लें बैठ के, तो उसमें बिल्कुल खर्चा ना होने के बराबर होगा, ट्रैवलिंग का कॉस्ट बच जाएगी। इसके अलावा अगर ऑफिस में डाक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाना है, कोई लेटर जाना है, कोई फाइल जानी है, अब ईमेल के ज़रिए फौरन फौरन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है, उसमें कितना बेनिफिट है, टाइम का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि टाइम के अलावा जो लेटर पे कॉस्ट आनी थी, पोस्ट की कॉस्ट आनी थी, कागज़ की कॉस्ट आनी थी, वो सारी की सारी रिड्यूस हो गई, और वो सॉफ्ट कॉपी बनी, सॉफ्ट कॉपी बन के इलेक्ट्रॉनिकली वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच गई है। इसके अलावा ऑफिस के बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो गए हैं इस वाइड एरिया नेटवर्क्स। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जहाँ एक चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आइए देखते हैं कि वैन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं या वाइड एरिया नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जाहिर सी बात है ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो है एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव तो होगा ही, एक्सपेंसिव के अलावा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आईपीस चाहिए होंगे, आईपी एड्रेसेस चाहिए, मैक एड्रेसेस, सारा कुछ जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनेगा। जितना नेटवर्क वसी तर होता जाएगा उतने जाहिर सी बात है उस पर एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। अगली बात यह है कि जाहिर सी बात है डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉन्टिनेंट के लोग जो होते हैं वो एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं और उनकी एक्सेस होती है नेटवर्क पर, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा और रियल थ्रेट जो होता है वो है सिक्योरिटी का थ्रेट। और इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर्स की जो है अनऑथराइज तौर पे एक्सेस होने का अमकान होता है, तो सिक्योरिटी इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू होता है। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है हैकर से, वायरसेस से, और इस सारे काम के लिए जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। इस तरह ये नेटवर्क जो है वो ज़्यादा महंगा होता जाता है, लेकिन एक दफ़ा जब सेटअप हो गया तो उसके बाद उसे मेंटेन रखना है, चालू हालत में रखने के लिए उस पे लगातार जो है उसकी मेंटेनेंस चाहिए, और ये एक फुल टाइम जॉब है क्योंकि 24 आवर्स जो है इसने काम करना है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए जिन्हें आपने हायर करना होगा, अगर हायर करना है तो उस पर खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसके साथ ही आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा है, इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। लेकिन अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, तो आप फील करें, किसी भी वक्त आप मेरे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वेबसाइट पर मौजूद है और वो उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान में रखिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि तमाम जो है स्लाइड्स आसानी से और इन टाइम आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।